हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम दूरी और विस्थापन कहते हैं, और उन्हीं को बेस पकड़ के हमें दो टर्म्स मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं चाल और वेग। ठीक है, जिनके बारे में मैंने आपसे बात करी थी कि एक है आपका स्पीड, दूसरा है आपका वेलोसिटी। ठीक, स्पीड को हम कहते हैं चाल, वेलोसिटी को हम कहते हैं वेग। तो चाल बराबर दूरी बटे समय और वेग बराबर विस्थापन बटे समय, दो में क्या डिफरेंस है देखिएगा। चाल को हम कहते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी। देखिए क्या लिख रही हूं मैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक चीज याद रखिए आप कि ज्यादातर हमें जब भी कोई चीज के बारे में बताना होता है, किसी चीज को डिफाइन करना होता है, आप ये अंश बटे हर है। ठीक, तो इसमें आप क्या करिए, जो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है, न्यूमरेटर दैट इज डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है, इसको जब भी हम एकांक कह देते हैं तो इसको एकांक कहने पर ये दोनों चीजें इक्वल हो जाती है। तो हमने कह दिया कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कह देंगे, चाल। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 सेकेंड हो जाएगी, तो ये जो दूरी आएगा यही किसके बराबर हो जाएगी, चाल के बराबर है कि नहीं है। दूरी को हम किसमें लिखेंगे, मीटर, और ये किसमें हो जाएगा आपका, सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या होगा, जो चाल हम जितनी भी लिखेंगे, 40, 50, 60, 20, 30 जितना भी मान रखेंगे, उसका जो मात्रक होगा वो किसमें आएगा, मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक, तो एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। या एकांक समय में जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया होता है वो क्या होती है आपकी स्पीड। ओके, सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप सब लोग याद रखेंगे। अब वहीं चलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि जहां चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, वहां वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। समय क्या हो गया आपका, ये टाइम क्या हो गया आपका, समय। तो हम कहेंगे कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क ये है कि जैसे दूरी आपकी पहली क्या थी, अदिश राशि थी, उसी प्रकार चाल भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि समय आपकी सदिश राशि नहीं है कि जिससे उसका कोई भी मान में फर्क पड़े या उसकी दिशा में फर्क पड़े। तो समय का तो आपको पता है कि वो एक सिर्फ एक कांस्टेंट चीज है जो हमें एक सिर्फ मान देगा कि इतने समय अंतराल में क्या क्या घटनाएं हुई। तो हमारी टोटल निर्भरता कि ये सदिश है या अदिश है, वो आती है आपकी दूरी को देख करके, है कि नहीं। दूरी कैसी राशि है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये अदिश राशि है। यहाँ विस्थापन कैसी राशि है, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। यानी कि विस्थापन बटे समय करने पर जो वेग निकलेगा, ये भी तो सदिश राशि निकलेगी, है कि नहीं है। तो यानी कि इसमें यार कुछ रटने की जरूरत नहीं है कि कौन सा सदिश है कौन सा अदिश है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय है और दूरी जो है आपकी अदिश राशि है, तो चाल भी कैसी हो जाएगी, अदिश राशि। वहीं आपकी विस्थापन सदिश राशि है, तो वेग भी कैसी हो जाएगी, आपकी सदिश राशि। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब दूसरी चीज जो इसमें हम पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो ये कि हमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इनको मैं आप मिटा दे रही हूँ या अपने दिमाग में रखिए। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो स्पीड में जो हम यहां पर अभी पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, ठीक, और दूसरा हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे ही यहां जो हम पढ़ेंगे वो है आपका एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको हम कहते हैं औसत चाल हिंदी में, ठीक है, औसत चाल। और इसको हम कहते हैं तात्क्षणिक चाल, राइट। वैसे ही ये आपका औसत वेग, ठीक, और ये हो जाएगा आपका तात्क्षणिक वेग। मैं पूरा नहीं लिख रही हूं क्योंकि मेरे यहां सारा का सारा कंप्लीट लिखा हुआ है। अब देखिए औसत, थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेते हैं कि औसत चाल और तात्क्षणिक चाल, या औसत वेग और तात्क्षणिक, इन शब्दों का क्या मतलब है। देखिए औसत का
उसके बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी, ठीक है, हम मूवी देखते हैं, मूवी कैसी थी, ठीक, तो मूवी को हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का अपने हिसाब से लोग रेटिंग देते हैं कि ये अच्छा था, नहीं वो मूवी खास नहीं थी, ठीक थी, बहुत इमोशनल थी, बहुत ज्यादा आपकी हंसी मजाक था उसमें, है कि नहीं, बहुत ज्यादा फनी वीडियो थी या बहुत ज्यादा अच्छी मूवी थी, इस तरीके से उन्होंने ओवरव्यू दिया। वो सब आया आपका औसत के अंदर, समझ में आ गया। यानी कि औसत को हम कहेंगे, जो हमको एवरेज स्पीड निकालनी होगी, टोटल डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो उसने तय करी अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल समय अंतराल में जितना भी उसने समय लिया, उस समय अंतराल में उसने जितनी दूरी तय करी, कुल दूरी बटे कुल समय, राइट, ठीक, कुल समय में उसने जितनी भी दूरी तय करी, तो मैंने आपसे कहा ना कि आपके बीच की बात नहीं होगी, आपके शुरू से लेके अंत तक की बात होगी, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे औसत की। इसी प्रकार एवरेज वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या जिसको हम कहेंगे कुल विस्थापन बटे कुल समय। आई होप आपको विजिबल है यहाँ पर, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है। ये तो बात हुई आपके औसत चाल की, अब बात करते हैं तात्क्षणिक की। अब तात्क्षणिक का मतलब ये हो गया कि मैं कहूंगी कि किसी मूवी में इस टाइम पर इस सीन कैसा था, ये वाला सीन कैसा था, इस टाइम पर उस हीरो की एंट्री हुई, इस टाइम पर यहाँ पर ये जोक क्रैक हुआ था, तो उस टाइम पर मूवी में कितनी हंसी आई थी, है कि नहीं है। जब हम एक पर्टिकुलर टाइम को जब हम डिस्कस करते हैं कि इस टाइम पर क्या हुआ, ठीक, तो वो सब आ जाएगा तात्क्षणिक के बीच में, ठीक है, वो सब किस में आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस, यानी कि उस क्षण में, तात्क्षणिक यानी उस क्षण में आपकी चाल क्या थी, उस क्षण में उस मूवी में क्या रिएक्शन था, कैसा हमें रिएक्शन देना था, बहुत हंसी आई, बहुत रोना आया, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें तात्क्षणिक चाल को हम कह देंगे आपका, इसको हम करेंगे। अच्छा, एक और चीज जो मुझे ध्यान में आ रही है वो ये कि जो औसत चाल है आपका, उसमें हम कर देते हैं इसको डेल्टा टी, यानी कि ये लंबे इंटरवल के लिए होती है, और ये जो होती है आपकी छोटे इंटरवल के लिए होती है, जिसको हम कहेंगे सॉरी दिस इज डी टी, ठीक है। जब समय को हम सूक्ष्म रूप से जो आपका अवकलन होता है, जब हम उसको पढ़ेंगे उसमें ये चीजें डिस्कस होंगी कि ये जो आपका डी टी है, डी टी आपको बताएगा एक छोटे समय अंतराल को, और ये जो डेल्टा टी है ये आपको बताएगा बड़े समय अंतराल को। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक सूक्ष्म जो दूरी पर ds अपॉन dt, एक सूक्ष्म समय में जो दूरी तय की गई वो आपको बताएगा तात्क्षणिक चाल के बारे में, और यहाँ पर एक सूक्ष्म समय में जो आपका विस्थापन तय किया गया, इसको मैं ds ही लिख रही हूँ, जो सूक्ष्म समय में आपका विस्थापन तय किया गया उसको हम क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग कह देंगे, समझ में आ गया। तो यह आपका कुछ बेसिक ओवरव्यू था, इस पर